बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीचर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम जिस किताब का खुलासा पेश करेंगे वो है उर्दू तहकीक का अहद ज़रीन और मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद अकमल। मुसन्निफ ने इस किताब में उर्दू के अहम मुहक्किकीन के तज़किरे से उर्दू तहकीक की इर्तिका पर रोशनी डाली है। इन मुहक्किकीन में हाफिज़ महमूद ख़ान शरानी, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी अब्दुल हक, मसूद हसन रज़वी अदीब, नसीरुद्दीन हाशमी और महीउद्दीन कादरी ज़ोर शामिल हैं। किताब के आगाज़ में हाफिज़ महमूद ख़ान शरानी की अदबी खिदमात, ख़ासकर तहकीकी खिदमात का अहाता किया गया है, जिसके मुताबिक शरानी ने 1920 में तहकीक का आगाज़ किया। उनकी मौजूआत में लिसानियात, तहकीक, तदवीन, तनकीद, तारीख, उरूज और मस्कुकात शामिल हैं। मुसन्निफ के मुताबिक हाफिज़ शरानी एक मुतदिल ज़हन रखने वाले इंसान थे और ऐसा महसूस होता है कि वह तहकीक के लिए पैदा हुए थे। किताब में हाफिज़ महमूद शरानी की मुख्तलिफ किताबों का जायज़ा भी पेश किया गया है। किताब के दूसरे हिस्से में सैयद सुलेमान नदवी की अदबी खिदमात का जायज़ा पेश किया गया है। सुलेमान नदवी की इब्तदाई ज़िंदगी और शिबली की शागिर्दी का भी तज़किरा मौजूद है। मुसन्निफ के मुताबिक सैयद सुलेमान नदवी को मौलाना शिबली नुमानी ने तसनीफ़ तालीफ़ के लिए तैयार किया। सुलेमान नदवी का तरीका था कि जब किसी मौजू पर लिखना होता तो इस सिलसिले में गहरा मुतालिया करते, मवाद इकट्ठा करते, फिर लिखने के लिए बैठ जाते। उनका एक अहम काम मौलाना शिबली की नामुकम्मल किताब सीरतुन्नबी की तकमील थी, जो मौलाना शिबली की वफ़ात की वजह से अधूरी रह गई थी। सीरतुन्नबी के हवाले से सुलेमान नदवी की काविशों का जायज़ा भी इस किताब का हिस्सा है। सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ ख़याम, जिसमें ख़याम की सवानी, तसानीब और उसके फ़लसफ़े पर बात की गई है, का तहकीकी जायज़ा भी दिया गया है और किताब के हवाले से नाक़िदीन की आरा भी पेश की गई है। सैयद सुलेमान नदवी के खुतबात का मजमुआ, अरबों की जहाज़रानी की तफसील भी दी गई है। मौलवी अब्दुल हक उर्दू तहकीक में एक अहम नाम है। उर्दू तहकीक की इब्तिदा और इर्तिका में उनका नाम नाकाबिले फरामोश है। इस किताब में तीसरे नंबर पर मौलवी अब्दुल हक का तज़किरा है। मौलवी अब्दुल हक की मुख्तसर सवानी के बाद उनके गहरे मुतालिये और अदबी खिदमात भी किताब का हिस्सा हैं, ख़ासकर उनके तहकीकी खिदमात उर्दू अदब का सरमाया हैं। मुसन्निफ के मुताबिक तहकीक एक खुश्क मौजू है, मगर मौलवी अब्दुल हक की कोशिश है कि इसमें शगुफ्तगी पैदा हो। सैयद मसूद हुसैन रिज़वी अदीब एक अहम नुकात, मुहक्किक, मुरत्तिब, मौलिफ, मुतरजिम, तबसरा निगार और खाशा निगार जाने जाते हैं। उनका तज़किरा भी किताब में किया गया है। रिज़वी अपनी किताबों से औलाद की तरह मोहब्बत रखते थे और घर से बाहर ले जाने की इजाज़त भी न देते थे। वह हमेशा लिखते रहे, इसलिए उनकी किताबें काफ़ी ज़्यादा हैं। तहकीकी खिदमात के हवाले से वो काफ़ी शोहरत रखते हैं। एक इल्म दोस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नसीरुद्दीन हाशमी का ख़ास मौजू दुकनी अदब रहा है। तालिब इल्मी के ज़माने से ही इस मौजू से उसको मोहब्बत थी। किताबों की तसनीफ़ के अलावा ज़ाती रिसाला भी निकाला। उर्दू तहकीक के इर्तिका के हवाले से उनका नाम कदर की निगाह से देखा जाता है। किताब के आखिरी हिस्से में महीउद्दीन कादरी ज़ोर की इब्तदाई ज़िंदगी और अदबी खिदमात का जायज़ा भी लिया गया है। वो एक नामवर मौर्रिख, शायर, मुअल्लिम, अफसाना निगार, सहाफ़ी और मुहक्किक थे। सारी ज़िंदगी उर्दू की तरक्की के लिए काम करते रहे। यह था उर्दू तहकीक का अहद ज़रीन का खुलासा। उम्मीद है ये खुलासा आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।